गुड मॉर्निंग वसीम साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, आज कैसे देख रहे हैं एक्सपायरी, किन लेवल्स पे होने की उम्मीद है? अनिल जी, एक्सपायरी का तो मैं एक्सपर्ट नहीं कह सकता, 1700-1200 के करीब हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कह रहा हूँ अगली एक्सपायरी 18500 पे होगी। और ये भी कह रहा हूँ कि ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रांस, यूके और डाउ जोन न्यू हाई पे है। अब या वो सही है और हम गलत है, या हम सही है वो गलत है। तो मुझे लगता है आज ये लास्ट डे ऑफ द स्टॉर्म है। हमारे यहाँ 2-3 हफ्ते में जो भी इसका केस बढ़ने हैं और घटने हैं वो सब हो जाएगा, और ये मौका फिर नहीं आएगा। बजट से पहले 18500 मुझे दिखता है, और मुझे मुझे कोई चेष्टा नहीं कहने की कि अगर ग्लोबली मार्केट्स न्यू हाईस में हैं तो इंडिया विल फॉलो सूट, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो आज की एक्सपायरी 17200 पे कट जाए तो मेरे हिसाब से 0.38 रिट्रेसमेंट है। नेक्स्ट लेवल विल बी 17500 विच कैन कम नेक्स्ट वीक, एंड देन वंस वी क्रॉस एंड हेड टुवर्ड 18000 देन वी विल टॉक ऑफ मोर बुलिशनेस, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टू गुड स्टॉक्स। तो अगले महीने की एक्सपायरी 18500 के ऊपर होने की संभावना जनवरी के अंत में, तो महीने भर में यहां से करीबन 1200-1300 पॉइंट की एक बढ़िया तेजी और बन सकती है, ऐसा मानना है भसीन साहब का। बहुत ही बढ़िया भसीन साहब, बताएं सर फिर अब ऐसे में अपडेट्स भी और आपके फ्रेश नए स्टॉक्स भी। तो अपडेट अनिल जी, कल मैंने आपको एक बहुत चॉइस स्टॉक दिया था जो डिजिटल हेल्थ केयर प्ले पे है, न्यूरेका। अभी भी मैं कह रहा हूँ वो शेयर अभी चाहे 15-20% बढ़ गया है, कुछ भी नहीं बढ़ा अनिल जी। 1 करोड़ वाला हर आदमी आज करोड़ रुपए की हैसियत रखता है, या 2 करोड़ या 5 करोड़। सबसे पहले उसे चाहिए क्यूरेटिव, क्यों वो बीमार, क्या क्योर है, फिर वो जाता है प्रिवेंटिव, फिर प्री डायग्नोस्टिक और फिर डायग्नोस्टिक। ये सारा आपको एक ही ऐप पे मिलता है जो आपका पूरा हेल्थ केयर का फिनोमिना आपको बता देता है। नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच मोर देन दिस, और ये एट अ टाइम जब फियर के लिए आप कुछ भी दवाई और पैसे के लिए खरीदते हैं, ये चीज आपको अनप्लेबल है। तो 2500 का भाव मैं अभी भी होल्ड करता हूँ और आपका आउट परफॉर्मर है। कल मैंने आपको यहाँ 1400-1420 पे कहा था, आज वो आउट परफॉर्मर है, लेकिन अभी 2500 पे कम से कम इसका भाव जाएगा अनिल जी। ये मेरी कैश की कॉल थी, बाकी मैं आप कहें तो मैं फ्यूचर के भी दो दूं या 3 शेयर ऐसे बताऊं जो मुझे लगता है अगले महीने आउट परफॉर्म करेंगे। तो वो भी मैं आपसे पूछूं, उससे पहले आपकी एक और पुरानी कॉल पर भी आपसे राय लेना चाहता हूं, वो है बॉश लिमिटेड। आज हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी बॉश लिमिटेड को लेकर के, जो एयरबैग्स है वो सरकार ने कंपलसरी कर दिए हैं 1 तारीख से। तो जाहिर सी बात है कि अब और डेट आगे एक्सटेंड नहीं होगी और सारी नई और पुरानी गाड़ियों को अब एयरबैग्स लगाने होंगे। बॉश पर भी एक बार राय दे सर इन्वेस्टर्स के लिए, क्या लॉन्ग टर्म टारगेट्स उन्हें रखने चाहिए? सर 20 से 22 हजार का टारगेट कम से कम, क्योंकि आप ये लेके चलेंगे कि जो आपकी ऑटोज में जिस तरह से डिमांड है और जिस तरह से सेमीकंडक्टर वगैरह ठीक होएगा, आई थिंक दिस विल बी अ नो ब्रेनर। तो बॉश इज अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो, ये मेरे कहने की बात है। बिल्कुल ठीक बात है। अब बताएं सर आज की आपकी सारी पिक्स। देखिए अनिल जी, तीनों शेयर लाजवाब शेयर हैं और मैं कह रहा हूँ होने ही चाहिए, और इस महीने जनवरी में आउट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले स्टेट बैंक, जो ये 2 दिन में रीबैलेंसिंग ऑफ इंडेक्स है वो सब हो जाएगी। आपको बोलूं, योनो एज ए प्लेटफॉर्म इज बिगर देन ऑल फिनटेक्स पुट टुगेदर, और आप जान सकते हो जियो से ज्यादा लाइमलाइट और विजिबिलिटी योनो की है। तो स्टेट बैंक इज अ नो ब्रेनर, 452-53 में लीजिए, 525 का भाव आपको जनवरी में दिखता है। अब उसके लिए स्टॉप लॉस आपने लगाना है तो 10-12 रुपए आप देख लीजिए वॉलेटिलिटी का, लेकिन मिस मत कीजिए, 10% स्टेट बैंक बढ़ेगा और बैंक निफ्टी को खींचेगा 33,000। दूसरा बाय अगेन, जो मैं कह रहा हूं मैंने रिसर्च से कह रहा हूं, मदरसन सुमी विल बी एन आउट परफॉर्मर। 217-18 में लीजिए, 225 का टारगेट, 212 का स्टॉप लॉस, और टॉप पिक फॉर 2022 इज अमर राजा बैटरी। ये जो नॉर्वे की कंपनी के साथ लिथियम आयन में उनका हिस्सा बनना है, ये शेयर यहां से री रेट हो जाएगा। 700 का टारगेट है, उससे कम नहीं बेचना, और 605-7 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन ये तीनों शेयर जनवरी में आउट परफॉर्म करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय, मदरसन सुमी और अमर राजा बैटरी, दो ऑटो एंसिली स्टॉक्स यहां पर खरीदारी करने की राय, और SBI फिर से भरोसा बरकरार है भसीन साहब का। न्यूरो का कल का 1465 का पिक 2000 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ जबरदस्त एक्शन में, ये है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भसीन साहब, ये सारी बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को।